हेलो व्यूवर्स, आज हम अमोक्सिक्लेव 625 का रिव्यू करेंगे। इसमें सबसे पहले हम पैकिंग डिटेल्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि इसका किस किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है और इसके शरीर पर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि इसके लिए क्या क्या सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले पैकिंग डिटेल्स देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे अमोक्सिक्लेव 625 ये लिखा हुआ है, और इसमें अमोक्सिक्लिन एंड पोटेशियम ये दो साल्ट आपको मिलेंगे। इसमें 500 mg अमोक्सिक्लिन और 125 mg ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पोटेशियम साल्ट है। और अगर नीचे यहाँ पे देखें, ईच फिल्म कोटेड कंटेंस अमोक्सिक्लिन एंड पोटेशियम। अमोक्सिक्लिन 500 mg और पोटेशियम 125 mg। और यहाँ पे कलर इन्होंने बता रखा है टाइटेनियम डिऑक्साइड डोज। डोज के बारे में लिखा है एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, जैसा डॉक्टर ने बताया है उसी के हिसाब से इसको लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने स्टोर एट ए टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर। मेडिसिन कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पहुँच से इसको दूर रखना है। और यहाँ पे इस रेड एरिया में अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पे एक वार्निंग लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है नॉट टू बी सोल्ड बाई रिटेल विदाउट द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब ये दवा आपको सिर्फ़ एक रजिस्टर्ड डॉक्टर जब आपको लिखेगा तभी आपको ये मेडिकल स्टोर से मिलेगी। और यहाँ पे कुछ मेडिकल कंपनी है जो उसके बारे में बता रखा है, इसमें ये मार्केटेड बाई अबोट, अबोट कंपनी के ये दवा है। यहाँ पे कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, और ये यहाँ पे इसका ट्रेडमार्क। और दवा के इस साइड में ये लिखा हुआ है, इस पे MRP 188.75 ये मार्केट प्राइस है। अगर आप मेडिकल स्टोर वाले को बोलोगे तो ये 150 के आसपास आपको मिल जाएगी। और इसमें 10 टैबलेट्स हैं, ये आप टैबलेट्स देख सकते हैं, ये 10 टैबलेट्स मिलेंगी इस तरीके की, ये पैकिंग है। चलो चलिए एक बार इसमें किस तरीके की टैबलेट होगी वो एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके की टैबलेट आपको मिलेगी, देख लीजिए। चलिए अभी हम इसका किस किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है वो एक बार जान लेते हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः किसी भी तरह के बैक्टीरिया इन्फेक्शन में होता है। कान में अगर किसी तरीके का कोई संक्रमण है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टोनसिल की समस्या होने पर भी इसका इस्तेमाल होता है। गले में इन्फेक्शन, साइनस, यूरिन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, ब्लैडर इन्फेक्शन आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नाक कान गले के रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। फेफड़ों में किसी तरह के इन्फेक्शन होने पर भी इसका इस्तेमाल होता है। पायरिया, हड्डी का संक्रमण व जोड़ों के इन्फेक्शन के लिए भी इसका प्रयोग होता है। साइड इफ़ेक्ट्स, इसके शरीर पर क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं तो चलिए ये जानते हैं। इसके लेने से किसी किसी को उल्टी आ सकती है, दस्त, ऐंठन, लाल चकत्ते हो सकते हैं, मुँह में छाले या फिर योनि में सूजन आदि जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। सावधानियाँ, इसके लिए क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। अगर किसी को भी ये बीमारियाँ हैं जैसे कि दमा, एक्जिमा, गुर्दे की बीमारी, शुगर, आंतों की सूजन, पीलिया जैसी बीमारियाँ हैं तो इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, या फिर डॉक्टर की देखरेख में ही इसका प्रयोग करें। दूसरा, इसका प्रयोग केवल डॉक्टर की सलाह से ही करें, अपने आप इस दवा को ना लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।